हिमाचल प्रदेश में इस साल पिछले 20 सालों से सबसे कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक साल 2004 से अब तक जनवरी से सबसे कम बादल बरसे हैं और इससे पहले 2007 में सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज की गई थी, तो वहीं इस साल सामान्य से 100% कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि साल 2004 में अब तक का ब्यौरा शिमला मौसम विभाग केंद्र के पास मौजूद है। उन्होंने बताया कि पिछले करीब 20 सालों के आंकड़े देखे तो इस साल जनवरी में सबसे कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी में सामान्य से 100% कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि इससे पहले एक बार साल 2007 में सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि ये अभी तक का आंकड़ा है, वही आने वाले दिनों में भी बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी के बाद बारिश बर्फबारी की संभावना बन सकती है। बात करें तो आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, जनवरी की बात करें क्योंकि सूखा है, पड़ चुका अभी बारिश से क्या बनी, क्या पूरी जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए 2004 के बाद अब तक का हम डाटा देखते हैं तो उसमें 2007 में -99% के आसपास डेफिसिट था बारिश और बर्फबारी का, और इस साल अभी तक -100% है। तो इस साल अगर पिछले करीब करीब हम 20 साल की बात करते हैं तो इस साल जो है सबसे कम जो है अभी तक की बारिश जो है हुई है। और जहां तक फोरकास्ट की बात है तो आने वाले 8 से 10 दिन कोई मेजर WD नहीं आने वाला है कि जिससे बर्फ होगी, बारिश होगी। तो आमतौर पर अगले 8 से 10 दिन जो है मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा प्रदेश में। कुछ संभावनाएं लग रही हैं एंड जनवरी में, जनवरी के जो लास्ट वीक है 25 के बाद अभी तक कुछ इंडिकेशंस हैं कि शायद कुछ सिचुएशन बेटर हो और एक स्पेल आए, लेकिन हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो ग्लोबली हम देख रहे हैं कि बर्फबारी और बारिश नहीं हो रही है, यूरोप में भी नहीं है, एशिया भी में भी नहीं है और हमारे यहाँ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बाकी एरियाज में, तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो है 8 से 10 दिन कोई विशेष संभावना नहीं है, डेफिसिट और बढ़ेगा। अगर बात करें, अगर इसकी बात करें सूखे की अगर बात करें, आपने क्या और जगह भी जो सूखा पड़ रहा है, क्या रीजन मानते हैं सर इसका, किस कारण जो है सूखा इस पड़ रहा है? देखिए जो है इसमें एक तो यही है कि जो आपका जो जो आर्कटिक रीजंस है ऊपर जो आप देखते हैं, आर्कटिक रीजन होता है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन में पोल की तरफ एरिया है, वहाँ पे आमतौर पर ये होता है कि सर्दियों में हाई प्रेशर होता है और इस तरफ लो प्रेशर होता है, तो इक्वेटर और पोल की जो हवाएं होती है वो मिलके पश्चिम विक्षोभ या वेस्टलीज बनती हैं। इस साल ये है कि इस साल एलिनो का भी असर है तो तापमान जो है ऊपर पोल के आसपास बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से हवाएं जो हमारी तरफ आनी थी वो पोल की तरफ जा रही हैं और उससे जो जेट स्ट्रीम होती हैं दो, एक तो पोलर जेट स्ट्रीम होती है ऊपर और एक नीचे होती है, तो इनकी मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है जो कि पश्चिम विक्षोभ को एक तरह से बढ़ाती हैं और स्ट्रॉन्ग करती हैं और फिर बर्फबारी और बारिश होती है। तो ये फैक्टर हमारे फेवर में नहीं है साल, एक तो एलिनो का भी असर है और दूसरा जो आर्कटिक ऑसिलेशंस है जो कि सर्कुलेशन पैटर्न बनता है बारिशों के लिए, वो हमारे फेवर नहीं कर रहा है साल। सर तापमान जो है प्रदेश में कई जगह काफी कम चल रहा है, माइनस में चल रहा है, कौन कौन से स्थान है जहां पर पारा जो है लुढ़का है और रिकॉर्ड भी टूटे हैं पिछले सालों के? कुछ जो है शिमला में हल्का सा टेम्परेचर में डिप किए पिछले 24 घंटे में, क्योंकि कुछ हल्का सा स्नोफॉल कहीं रिपोर्ट हुआ होगा तो उससे कुछ स्लाइटली फॉल है टेम्परेचर्स, लेकिन नॉर्मल के आसपास है। -8.8 कुकुम सेरी में लाहौल स्पीति में लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है सामान्य से, जैसे केलोंग है 11 डिग्री ज़्यादा है, इसी तरह से 6 से 7 डिग्री कई एरियाज हैं हिमाचल में जहाँ तापमान ज़्यादा है। तो तापमान बढ़ने का यूरोप में भी हमारे भी है, मुख्य कारण यही है कि हमें जो है ग्लोबली जो वेदर पैटर्न है वो फेवर नहीं कर रहे। मैदानी क्षेत्रों की बात करें सर तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर माइनस में टेम्परेचर दर्ज किया गया है, कौन कौन से वो जिले हैं और कितना तापमान दर्ज किया गया है और क्या कोई रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है? देखिए उसमें जो प्रदेश के पंजाब के साथ जिले लगते हैं जिसमें ऊना है, सुंदरनगर है
और सोलन के कुछ एरियाज हैं, बिलासपुर है, तो यहाँ के कुछ पॉकेट्स में जो है तापमान शून्य इसके आसपास है। और उसकी यही वजह है कि ऊपर से जो ठंडी हवाएं नीचे जाती हैं वहाँ रुक जाती हैं और वहाँ तापमान बढ़ाती हैं। और कुछ पॉकेट्स में फॉग भी है, हमारे यहाँ फॉग भी होता है 4 जिलों में 4 से 5 जिलों में, तो वहाँ विजिबिलिटी का भी कंसर्न है सुबह सुबह। आपने रिकॉर्ड की बात की, तो अगर हम बात करें तो इससे पहले कब जो है कम बारिश हुई थी जनवरी में, वो थोड़ा बता सकते हैं? 2007 में जो है -99% टोटल जो पूरे जनवरी महीने की जो बरसात थी वो रिकॉर्ड की गई थी, और इस साल अभी -100 पे हम हैं। और आप 8 से 10 दिन तो भी कुछ विशेष, अभी जैसे मैंने कहा कि 25th के बाद कुछ थोड़ा कंडीशन बेटर लग रही है, तो अभी और ये डेफिसिट कम होगा, -100 के आसपास ही चलेगा अभी कुछ दिन, लेकिन एंड में कुछ बारिश आती है तो हो सकता है कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आए। सर उम्मीद कर सकते हैं अच्छा 25 के बाद बर्फबारी की बर्फबारी होगी, या उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में की बर्फबारी का असर इनको भी पड़ेगी? देखिए अभी इनिशियल इंडिकेशंस तो कुछ बता रही हैं कि कुछ चांसेस हैं उन दिनों, लेकिन फिर भी क्योंकि इस साल आपने देखा कि बहुत चेंजेस हैं, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे ही आता है हमारे एरिया में आ रहा है तो उसके बाद इमीडिएटली डिसिपेट होके नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, और हमारे यहाँ पे बर्फबारी जो होनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं हो रही है और टेम्परेचर को बढ़ोतरी हो रही है उससे। धुंध को लेकर कोई अलर्ट रहेगा सर? हाँ नीचे देखा जा रहा है धुंध बढ़ रही है, नीचे धुंध का है क्योंकि हवाओं की थोड़ी सी डायरेक्शन भी ईस्टली है, तो डेफिनेटली जो है फॉगी कंडीशन नीचे तो बनी होंगी, और उसका अलर्ट जो है जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं वहाँ पे रहेगा अभी कुछ दिन, वो हम उसके लिए अलर्ट दिया गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।